नमस्कार साथियों, आपसे निवेदन है इस वीडियो को देखने से पहले इसका पहला भाग अवश्य देखें, जिसकी लिंक नीचे दी गई है। आगे की कहानी इस प्रकार है। आज से करीब 70,000 वर्ष पहले जब हम भोजन की खोज में जंगलों में भटकते थे तो करीब 100-120 के समूह में रहते थे, जैसे आज के चिंपांजी। लाखों वर्ष पहले जीन में एक म्यूटेशन के कारण हम इनसे भिन्न होकर अलग प्रजाति में विकसित हो गए थे। हमने पत्थर और लकड़ी के औजार बनाए और आग पर काबू करना सीख लिया, जिससे पका हुआ भोजन पचाने में कम ऊर्जा इस्तेमाल होने लगी और हमारे मस्तिष्क का विकास हुआ। यहाँ से आधुनिक मनुष्य की कहानी शुरू हुई और मानव इतिहास की पहली क्रांति का जन्म हुआ, जिसे हम संज्ञानात्मक क्रांति या कॉग्निटिव रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। हमने अपनी अपनी भाषा ईजाद कर ली और समूह में मिलकर बड़े बड़े जानवरों का शिकार करने लगे। इस तरह धीरे धीरे पृथ्वी पर हम निर्णायक भूमिका में सामने आए। करीब 12,000 साल पहले कृषि क्रांति शुरू हुई और बड़े समुदायों में हमने एक साथ रहना शुरू किया। इतने सारे लोगों को एक साथ रखने के लिए एक साझा कल्पना की जरूरत थी, जिस पर सब विश्वास कर सकें। तब कुछ महान व्यक्तियों ने ईश्वरीय शक्तियों का हवाला देते हुए समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार कुछ नियम कायदे बनाए, जो आगे चलकर धर्म और संप्रदाय बन गए। आज से मात्र 500 वर्ष पहले वैज्ञानिक और औद्योगिक क्रांति आई, जिसने धरती को ज्ञान और ऊर्जा के अक्षत भंडार से भर दिया। पहले जो राजा ईश्वर का रूप होता था, आज वह शक्ति प्रजातंत्र में कैसे जनता के पास आ गई, आज से 1,000 वर्ष पहले कोई ये सोच भी नहीं सकता था। ठीक इसी तरह आज हमारा संविधान हमें समानता और स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन आज से 1,000 साल बाद विज्ञान इतनी तरक्की कर जाए कि दुनिया से गरीबी और बीमारी पूरी तरह मिट जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने रोबोट हमारे सारे मैनुअल काम करने लगें, सोलर एनर्जी का हम भरपूर इस्तेमाल कर रहे हों, इंटरस्टेलर जर्नी का वैज्ञानिक प्रोग्राम बना रहे हों, सभी के लिए सब कुछ सहज उपलब्ध हो, और उस समय हमारे वंशज हमारे इस संविधान को घटिया और बकवास इसलिए बताने लगें कि उनके पूर्वज यानी हम इतने स्वार्थी और निर्दयी थे कि हमने सिर्फ अपने बारे में सोचा और हमारे चारों तरफ जो जीव जंतु हैं उनका संविधान में जिक्र भी नहीं है, बल्कि उनका तो हम सिर्फ शोषण ही कर रहे थे। तो आप क्या कहेंगे? हम देखते हैं कि आजकल यह ट्रेंड चल रहा है कि धर्म में बुराइयों को निकालने का, जैसे बाल हनुमान ने पृथ्वी से 100 गुना बड़े सूरज को कैसे निकल लिया, गणेश जी के सिर पर हाथी का सिर, रावण के 10 सिर या देवियों के 2 से अधिक हाथ होने, और भी इस तरह की बातों का मजाक बनाया जा रहा है। इसके साथ ही एक और ट्रेंड चल रहा है, जिसमें आज के मॉडर्न गुरु इन बेतुकी बातों को छद्म विज्ञान यानी सूडो साइंस से रफूगरी करते हुए इसे जस्टिफाई करते रहते हैं और अपनी ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। उदाहरण स्वरूप, यदि तुलसीदास जी ने यह लिखा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसमें तुलसीदास जी का क्या दोष है? उन्होंने तो वही लिखा जो उस समय की सामाजिक मनोदशा थी। परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में जो भूल हम उन्हें गलत साबित करने में कर रहे हैं, वही भूल हम उन्हें सही साबित करने में भी कर रहे हैं। यह बात समझने जैसी है कि जितने भी पुरातन धर्म हैं सब अतिशयोक्तियों से अटे पड़े हैं, क्योंकि ईश्वर को इतना शक्तिशाली और चमत्कारी दिखाना था कि मनुष्य को उसके सामने घुटने टेकने के अलावा कोई विकल्प न बचे। ये धर्म उस समय उपजे थे जब हम पशु से मनुष्य बनने की प्रक्रिया से गुजर रहे थे। हमारी लाखों वर्षों की भोजन छीनकर खाने की आदत थी। शाकाहारी जानवरों की कई प्रजातियों को डकारने के बाद हमने अपनी ही प्रजाति के होमो इरेक्टस, नियंडरथल्स जैसे 8 मानव प्रजातियों को नेस्तनाबूत कर दिया और हम मात्र 1 मानव प्रजाति बचे हैं, जिसे हम निर्लज्ज रूप से होमो सेपियंस यानी बुद्धिमान मनुष्य कहते हैं। अतीत में हमने अपने पारिस्थितिक तंत्र पर बहुत कहर ढाया है। इस तरह के उन्मादी काम और क्रोध से भरे हुए लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ाना कोई आसान काम नहीं रहा होगा। हम सब ने एक कहावत तो सुनी होगी, मैन इज ए सोशल एनिमल, और हम सभी बेहतर जानते हैं कि अंदर से हम
आज भी पशु ही है। हमारी आधी समझ तो इसलिए शीर्षासन किए हुए है कि हम समझते हैं कि पहले का समय बहुत अच्छा था, सतयुग था। इस युग की सच्चाई सिर्फ कथा पुराणों में मिलती है। हम सब पशुओं से ही विकसित हुए हैं और इसमें धर्मों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है, लेकिन आज इन धर्मों की एक सीमित उपयोगिता है। आप खुद सोचिए, आपको जीवन भर प्राइमरी क्लास में ही पढ़ाई करना पड़े तो आपको कैसा लगेगा? जिस तरह एक कांटा निकालने के लिए दूसरा कांटा इस्तेमाल किया जाता है, बाद में दोनों कांटा फेंकने लायक होते हैं, उनमें से कोई भी पूजने लायक नहीं होता। बात उपयोगिता की है। समाज में व्यभिचार न फैले और पराई स्त्री या पराई धन पर लालच ना करने के पुरस्कार स्वरूप जन्नत में 72 हूरों और स्वर्ग में अप्सराओं की व्यवस्था की गई थी। लेकिन अब हम सब जानते हैं कि स्वर्ग और नर्क सब यही है। हम सब जानते हैं इन्हीं धर्मों के कारण समाज के बहुत बड़े तबके ने यातनाएं झेली हैं, इसलिए उनको बराबरी पर लाने के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था भी है। लेकिन यह भी दुर्भाग्य है कि जिस धर्म के कारण इस वर्ग यानी SC ST OBC के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, उन्हीं की कथा और पुराण सुनने सबसे ज्यादा इसी वर्ग के लोग आगे आते हैं। मैंने अपने जीवन के बेहतरीन 26 वर्ष भारतीय सेना की सेवा में दिए हैं। वहां हमें गीता या कुरान को साक्षी मानकर देश के संविधान की रक्षा की शपथ दी जाती है। इसलिए मेरी समझ के अनुसार देश में यदि कोई धर्म होना चाहिए जो वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दे, तो वह है हमारा देश का संविधान, जिसमें हमारे नागरिकों के लिए राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय के साथ स्वतंत्रता के सभी रूप शामिल हैं, जो व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करता है। किसी भी देश में लोकतंत्र आने से पहले वह देश वहां के प्रचलित धार्मिक नियम कायदों से ही संचालित होता था, जिसमें पंडितों, मौलवियों और पादरियों की अहम भूमिका होती थी। उसमें कुछ कमियां तो जरूर रही होंगी, इसलिए तो हमें संविधान बनाना पड़ा। हमने संविधान को आत्मसात तो कर लिया, लेकिन धर्म से हमारा मोह भंग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हजारों वर्षों से इस अभावग्रस्त जीवन में हम उसके ही सहारे रहे हैं। और एक विशेष वर्ग जो स्वयंभू की तरह इन धार्मिक कर्मकांडों में उच्च स्थान पर बैठा है, वह आपको छोड़ने भी नहीं देगा। इसका एक ही विकल्प है, शिक्षा। अभी हाल ही में आई कोरोना महामारी ने हमें इसकी एक झलक दिखा भी दी है कि इससे बाहर निकलने में किसने हमारा साथ दिया, धर्म ने या विज्ञान ने। तो बने रहिए मेरे साथ इस यात्रा में, स्वयं को जानने की अपनी प्यास को बुझाने के लिए। आगे हम जीवन के कुछ मूलभूत प्रश्नों को समझेंगे, जैसे क्या ईश्वर ने हमें बनाया है या हमने ही अपने अपने ईश्वर बनाए हैं। यदि आत्मा और पुनर्जन्म होता है तो हम मनुष्य तक ही क्यों रुका जाए? हमारे चारों तरफ जो जीवन का विस्तार है, उनकी आत्माओं और कर्म फलों का हिसाब कौन रखता होगा? किस तरह से लाखों वर्ष पहले की DNA की याददाश्त हमें प्रभावित करती है? हम क्यों अपनी सुरक्षा के लिए चीजें इकट्ठा करने में ही अपनी जीवन ऊर्जा खर्च कर देते हैं, या जानते हुए भी कि हमें मिटना ही है? क्यों मीठा और प्रोटीन युक्त भोजन देखकर हमारे मुंह में पानी आ जाता है? क्यों स्वप्न में मरने से ठीक पहले हमारी नींद खुल जाती है? ये छोटे छोटे प्रश्न जीवन के बड़े रहस्यों को सुलझाते हैं। जब आज से 70,000 वर्ष पहले पूरी पृथ्वी ही हमारा घर थी, तो फिर अमीर गरीब कैसे पैदा हो गए? पश्चिम में गुलाम और पूर्व में शूद्र कैसे बन गए? यदि ईश्वर है तो उसकी इस व्यवस्था में इतना भेदभाव क्यों है? जिस रोटी, कपड़ा और मकान की तलाश में हमारे पूर्वज भटक रहे थे, आज सब कुछ मिलने के बाद भी हम सुखी क्यों नहीं हुए? हमारे सुख की परिभाषा आखिर है क्या? हमने अपने पेट की भूख तो शांत कर ली, लेकिन एक नई भूख पैदा कर ली, असंतुष्टि की। ये हमें कहां ले जाएगी? इस बारे में किसी को सोचने का समय ही नहीं है। हम इस ब्रह्मांड के अब तक ज्ञात इस इकलौते जीवित ग्रह को, जो हमें जीवन की सभी बुनियादी चीजें उपलब्ध कराता है, उसे बर्बाद करने पर क्यों तुले हुए हैं? हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। यदि आप मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हैं तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे हमें प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद।
जय हिंद।